नमस्कार। झरोखा चैनल में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आपकी वार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं, उसके लिए शुभकामनाएं भी करते हैं। और आज हम कक्षा दसवीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो पाठ है बाल गोविंद भगत, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हम यहां आपको एक सूचना भी देना चाहते हैं कि हमने कक्षा दसवीं के कोर्स में जो व्याकरण वाला हिस्सा है उसके भी बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं। आप उन्हें हमारे इस चैनल पर खोज सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला जो है वो ये है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो इसका उत्तर है कि उनकी जिन विशेषताओं के कारण लोग साधु उन्हें कहते थे वो हैं, पहला, बाल गोविंद भगत कबीरदास जी के विचारों के अनुयायी थे और वे उन्हें अपना साहब मानते थे। दूसरा, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। तीसरा, हमेशा खरा व्यवहार करते थे। चौथा, वे बिना अनुमति के किसी भी चीज का, जो दूसरे की वस्तु है, उसका उपयोग नहीं करते थे। और पांचवा, वे कभी किसी से बैर नहीं रखते थे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका उत्तर है कि भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह सोचती थी कि जब वे बूढ़े हो चुके हैं और दिन दिन और भी ज्यादा वे कमजोर और बूढ़े होते जाएंगे, ऐसे में उनका साथ कौन देगा, उनकी मदद कौन करेगा, उनके खाना कौन खिलाएगा, बीमार पड़ने पर उनकी सेवा कौन करेगा। तो वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी और बीमार सेवा करना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? तो उसका उत्तर है कि पहला, उन्होंने बेटे के शव के पास बैठकर कबीर के पदों का गायन किया। दूसरा, उन्होंने अपनी बहू से कहा कि वह रोए नहीं, खुश हो, क्योंकि आज तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। तीसरा, आत्मा परमात्मा का मिलन दुख का नहीं, आनंद का विषय होता है। और अब प्रश्न चौथा, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो एक चित्र प्रस्तुत करना है, जो शब्द चित्र होता है, रेखा चित्र भी जिसे कहते हैं, कि हम ऐसा विवरण देते हैं किसी व्यक्ति का या घटना का कि हमारे सामने उसका एक बिंब बनने लगे, तो हमें वही करना है। तो देखिए यहां हम कुछ करते हैं। भगत का कद मझोला था, उम्र 60 के ऊपर रही होगी, बाल सफेद हो गए थे, वे कम कपड़े पहनते थे, एक लंगोटी मात्र ही उनका पहरावा होता था, जाड़े में वे एक काला कंबल जरूर अपने शरीर पर डाल लेते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल था, हमेशा भक्ति और गृहस्थी में लीन रहते थे। वे तड़के ही सोकर उठ जाया करते थे और स्नान करने के बाद कबीर के पदों को गाया करते थे। और अब प्रश्न पांचवा, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत के जीवन की जो दिनचर्या थी वो लोगों के लिए आश्चर्य का इसलिए कारण थी क्योंकि कैसा भी मौसम हो, गर्म हो, ठंड हो, बरसात हो, वो हमेशा जो कपड़े पहनते थे, जैसे रहते थे, वैसे ही रहते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते थे। रोज सुबह जल्दी उठ करके 2 मील पैदल चलकर पोखरे पर जाते थे, वहां स्नान करते थे और वहां से लौटकर एक टीले पर बैठ करके कबीर के पदों को गाया करते थे। छठवां प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। तो देखिए उनकी विशेषताएं ये हैं कि पहला, वे मधुर कंठ से गाया करते थे, उनका गला जो सुर है वो बहुत अच्छा था, गाने में तल्लीन हो जाते थे तो नाचने लगते थे, और तीसरा है, उनके गायन में जादू जैसा असर था
अर्थात जब वो गाते थे तो उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता था। चौथा, उनके गायन में खेतों में काम करने वाली जो स्त्रियां हैं उनके होंठ फड़कने लगते थे, वो भी गाने लगती थी। और पांचवा है, उनके गाने को सुनकर धान की रोपणी करने वालों की अंगुलियां खुद ही तेजी से चलने लगती थी, और जो हलवाहे हल चलाते हैं उनके पांव कीचड़ में रहते थे पर थिरकार करते थे। अब आते हैं प्रश्न सातवें पर। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम उनके जीवन के दो प्रसंगों का यहां उल्लेख करते हैं। पहला तो यह है कि वे कबीर के अनुयायी थे, उनके विचारों को मानने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का शोक नहीं मनाया बल्कि कबीर के पदों को गाकर खुशी मनाई, क्योंकि वे मृत्यु को आत्मा का परमात्मा से मिलन मानते थे। और दूसरा, अपनी विधवा पुत्र वधु को उन्होंने दूसरी शादी करने का निर्देश देकर उसके भाई के साथ विदा कर दिया था। तो ये जो दो मार्मिक प्रसंग हैं वो इस तरह हैं। अब हम आठवां प्रश्न ले रहे हैं। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र इस तरह किस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है? तो उसका उत्तर है कि हम उसे इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में आषाढ़ में जब पानी झिमझिम कर बरसने लगता था, तब गांव के तमाम लोग अपने अपने खेतों पर पहुंचकर और बोवनी का काम करते थे। वे हल चला रहे होते थे, पानी भरे खेतों में बच्चे मस्ती कर रहे हैं, स्त्रियां मेढ़ों पर बैठी हुई हैं, कलेवा लेकर आई हैं ताकि काम करने वाले पुरुष जब फुर्सत हों तो वो भोजन कर सकें। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इसी समय बाल गोविंद भगत जो हैं कबीर के पदों का गायन शुरू कर देते हैं। उनका मीठा गला, उनका सुरीला स्वर चारों तरफ जो है फैलने लगता है और उनकी मधुर तान से स्त्रियां अपने होठों को फड़काने लगती हैं, हलवाहों के पैर थिरकने लगते हैं और बच्चे जो हैं और आनंदित होने लगते हैं। अब प्रश्न नौवां है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है? तो इसका उत्तर हम इस तरह दे सकते हैं कि एक तो पहला, वे खरा बोलते थे, कबीरदास जी भी खरा बोलते थे, बाल गोविंद भी खरा बोलते थे। दूसरा, बाल गोविंद किसी से बैर नहीं रखते थे। तीसरा, कम चीजों में ही जीवन चलाते थे। चौथा, खेत की उपज वो जो भी होती थी फसल, उसको पहले कबीर के दरबार में अपने कांधे पर लाद कर जो वहां से दो कोस की दूरी पर था वहां ले जाते थे और सब कुछ वहां अर्पित कर देते थे। फिर उसमें से प्रसादी के रूप में वापस उन्हें जो कुछ मिलता था उससे ही वो अपना साल भर का जीवन चलाते थे। मृत्यु का शोक नहीं मानते थे, उसे वे आत्मा परमात्मा का मिलन बताते थे। तो ये नौवां प्रश्न था। अब दसवां प्रश्न लेते हैं। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो इसका उत्तर है, पहला, क्योंकि कबीर एक खरे आदमी थे इसलिए बाल गोविंद उन पर श्रद्धा करते हैं। दूसरा, कबीर धर्म के पाखंड की आलोचना करते थे। तीसरा, कबीर कर्म प्रधान व्यक्ति थे, खुद जुलाहे थे, पहले कपड़ा बुनते थे इसके बाद भक्ति भावना की बात करते थे। चौथा, कबीर का जीवन और विचार भगत के जीवन से मेल खाते हैं। और अब आते हैं प्रश्न ग्यारहवें पर। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? उत्तर है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ का महीना चढ़ते ही उल्लास से इसलिए भर जाता है क्योंकि इस महीने में बरसात शुरू हो जाती है। किसानों की आजीविका का मुख्य साधन खेती है और वही आषाढ़ के महीने में
बोनी का काम शुरू हो जाता है, खेतों का काम शुरू हो जाता है, आजीविका की शुरुआत हो जाती है, आनंद और उल्लास भर जाता है, क्योंकि बादल घूमड़ रहे हैं, पानी बरस रहा है, खेतों में जाकर के लोग काम कर रहे हैं और मिलजुल कर काम करने की भावना भी प्रकट होने लगती है। और अब प्रश्न 12वां, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? उत्तर है कि देखिए, साधु की पहचान कभी भी उसके पहनावे से नहीं होती। कोई भी आदमी जो है वो गेरुआ वस्त्र पहन सकता है, जटाजूट बढ़ा सकता है, तिलक चंदन लगा सकता है, और ऐसा करने से उसे अगर हम साधु मान लेंगे तो यह इसलिए गलत होगा कि हो सकता है कि जिसने ऐसा स्वरूप धारण किया है वो एक डाकू हो, वो एक चोर हो, वो एक लंपट हो, वह एक बेईमान व्यक्ति हो। तो हमें किसी के बाहरी दिखावे से उसके आंतरिक गुणों का पता नहीं चलता, तो हम पहनावे से किसी को साधु नहीं मान सकते। पहनावा बाहरी चीज है, असली बात है मन का पवित्र और सच्चा होना। साधु का गुण सादगी और संतोष है, प्रेम और सहयोग है, यही सब गुण बाल गोविंद भगत में भी थे, इसलिए लोग उन्हें भगत कहते थे, साधु कहते थे। और अब 13वां प्रश्न, मोह और प्रेम में अंतर होता है, भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर हम इस कथन को सच सिद्ध करेंगे? उत्तर है कि जब भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी पुत्र वधु को अपनी सेवा के लिए रोकने की बजाय उसे उसके भाई के साथ भेज दिया ताकि उसका दूसरा विवाह हो सके। यह उनका अपनी पुत्र वधु के प्रति प्रेम है, सच्चा प्रेम है, क्योंकि वे उसका कल्याण चाहते हैं, उसके जीवन की खुशहाली चाहते हैं। यदि मोह होता तो वे उसे अपने घर से जाने नहीं देते और बुढ़ापे में अपनी सेवा के लिए, अपने देखभाल के लिए उसे रहने देते। और अब 14वां प्रश्न देखते हैं, इस पाठ में आए हुए कोई 10 क्रिया विशेषण लिखिए और उनके भेद भी बताइए। तो यहां हम क्रिया विशेषणों को पहले चुनेंगे। क्रिया विशेषण का पहले मतलब समझ लीजिए कि किसी शब्द की विशेषता बताने वाले तत्व को विशेषण कहते हैं, पर जब कोई क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द होता है तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है, क्रिया यानी कार्य। तो हम पहले 10 वाक्य ऐसे इस पाठ से चुनने हैं। पहला चुनते हैं, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। दूसरा है, कभी झूठ नहीं बोलते थे, सारा आंगन संगीत से ओतप्रोत है, कुछ सुस्त और बोदासा था, वही पुराना सर वही पुरानी तल्लीनता, ठंडी पुरवाई चल रही थी, थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है, उस दांत किटकिटाने वाली भोर में इकलौता बेटा था। ये 10 हमने चुने हैं। अब जो पहला वाक्य है, लंबी बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, तो इसमें जो मझोला कद है, कद की विशेषता बताने वाला जो है वो शब्द है मझोला। तो ये जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाण यानी मात्रा, छोटा है, कम है, ज्यादा है, बड़ा है, ये परिमाण बताता है। लंबी दाढ़ी है ना, जो दूसरा है लंबी दाढ़ी जिसमें आया है, इसमें भी परिमाणवाचक है क्योंकि दाढ़ी की लंबाई बताई जा रही है। तीसरा है, कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसमें कभी झूठ जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि इसमें समय के बारे में बताया जा रहा है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, समय है। सारा आंगन, ये परिमाणवाचक है क्योंकि आंगन, पूरे आंगन, कितना बड़ा आंगन, आधा आंगन, पूरा आंगन, ये परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है, आकार प्रकार बता रहा है। सुस्त और बोधा, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के उसके जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है, उसका जो स्वभाव है, उसके बारे में बताया गया है।
फिर इसी तरह पुराना स्वर, पुरानी तल्लीनता, इसमें कालवाचक है क्योंकि ये पुरानी बातों के बारे में बात की जा रही है। ठंडी पुरवाई रीतिवाचक है और मूसलधार में फिर परिमाणवाचक है क्योंकि बरसात कैसी होती है, या तो रिमझिम होती है या मूसलधार होती है। तो रिमझिम परिमाणवाचक है क्योंकि वो वर्षा धीमे धीमे हो रही और यहाँ बड़े बड़ी बूंदे गिर रही, तो ये इसकी मात्रा का मामला है। फिर दांत किटकिटाने वाली भोर, दांत किटकिटाना जो है वो रीतिवाचक है, इसमें कोई एक रीति का नियम का उल्लेख है। इकलौता बेटा, ये परिमाणवाचक है क्योंकि बेटे की संख्या एक ही बताई जा रही है, तो ये भी मात्रा से संबंधित है। तो यह था राम वृक्ष बेनीपुरी जी के संस्मरण बाल गोविंद भगत पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। अगली बार हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय को जानेंगे। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हमें उसका उत्तर देते हुए बहुत खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।